हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? बहुत बहुत सारे लोग आ चुके हैं। आप मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताओ प्लीज। आर के ठाकुर बोल रहे, हेलो दीदी, हाउ आर यू? नॉट सो वेल। बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई, अभी भी ये नाक बंद है मेरा। हाय प्रिया, हेलो सोनिया, हेलो सुप्रिया, हेलो 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 हेलो, हेलो श्रियंका। हेलो रजदीप, हाय फैक्ट्राइड, आ रही है आवाज? ओके ओके। और गाइस बताओ क्या हाल चाल? बहुत दिनों बाद पैनल फाइनली। मैं थोड़ी थोड़ी सी तबीयत खराब है सादिया, थोड़ी सी सर्दी खांसी है। आई जस्ट हेट इट यार। मेरे को जब ये सर्दी खांसी बुखार होता है ना, मेरे को बहुत इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा। सुप्रिया बोल रहे, बहुत दिनों बाद मैं लाइव में हूँ। वेलकम सुप्रिया। हाय सलमा, सारे क्यूट क्यूट बंदे मुझे दिख रहे हैं, बंदे बंदिया सब। बस क्या छपड़ी चाड़ा ऑन टॉप है, छपड़ी चाड़ा। ऑल राइट गाइस, गुड न्यूज, गुड न्यूज अभिषेक के चाहने वालों, गुड न्यूज। अभिषेक का म्यूजिक वीडियो आ रहा है टोनी कक्कर के साथ। नीदू मेडिसिन ले लिया? हाँ थोड़ा देर पहले लिया मेडिसिन। मेडिसिन लेके अभी थोड़ा गला ठीक है, नहीं तो इससे पहले बैंड बज रही थी, मैं बात नहीं कर पा रही थी सुबह से, इतना गले में दर्द था। अभिषेक का म्यूजिक वीडियो आ रहा है गाइस टोनी कक्कर के साथ। हाउ यू गाइस आर फीलिंग, टेल मी। सुप्रिया बोल रही नींद पूरी नहीं हुई, क्या बोल? नहीं तबीयत खराब है। नींद एक्चुअली नींद भी पूरी नहीं हुई सही से, मतलब काम खत्म करके उठी, फिर सो नहीं पा रही थी रात भर क्योंकि नाक बंद है मेरा। हेलो अरिजीत सिंह दादा, कैमन आछो? शेफाली बोल रही है, बुरा ये लोग, ये लग रहा है कि मनीषा की वो कहाँ गया, मनीषा ही वो लड़की है जो अभिषेक और टोनी कक्कड़ से मिलवाती है। टोनी के साथ अभी की पिक्स कुछ मंथ्स पहले ही आई थी, साइड में मनीषा ही वीडियो बना रही थी, याद आया। लेट्स होप लेट्स होप लेट्स होप। अभिषेक का एक्चुअली म्यूजिक वीडियो शूट चल रहा है टोनी कक्कर के साथ। आई डोंट नो कि फीमेल कैरेक्टर कौन है उसमें, बट मजा आया देख के, मजा आया। फाइनली अभिषेक का म्यूजिक वीडियो, जो बहुत दिन से अभिषेक बोल रहा था, बहुत पहले से बोल रहा था कि टोनी कक्कर के साथ उसका एल्बम आने वाला है, नेहा कक्कर के साथ आने वाला है, तो फाइनली वो आने वाला है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरिजीत सिंह बोल रहे ओनली मनी एंड अभिषेक, लव लवली पीपल दे आर, क्यूट क्यूट से सारे। अभिषेक का शायद आज भी चल रहा है ना शूट, अभी अभी उसने एक पोस्ट डाला है थोड़ी देर पहले, देख के लग रहा है कि कुछ शूटिंग का ही सीन है कहा गया। नैना तो कहना नहीं ऐसे तेरे मुख। मनीषा भी हो सकती है दीदी, आर के ठाकुर बोल रहे हैं, यू नेवर नो, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। श्रियंका बोल रहे फैक्ट को कैसे पता, क्या पता? अच्छा फैक्ट राइट बोल रहे, शिफाली टोनी कक्कर निश्चय को बहुत पहले जानता है,
फिनाले कॉन्सर्ट याद है? यस यस याद है, याद है। टोनी कक्कर के साथ निश्चय का एक वीडियो भी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो निश्चय ने रोस्ट किया था वहां पे, टोनी कक्कर ने खुद भी अपने आप को रोस्ट किया था एक गाने में, तो इसका एक वीडियो भी है निश्चय के चैनल पे। अरे टोनी कक्कर मनीषा से पहले अभिषेक को जानता है, प्लीज डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, राजदीप माजी बोल रहे हो। ओके अरे हाँ, इससे याद आया, फैक्ट राइट, सही बोल रहे हो। सब बोल रहे हैं कि निश्चय का रोका हो गया है। अच्छा रोका मीन्स क्या होता है भाई? देवे रोका मीन्स मतलब बंगाली में हम लोग जिसको आशीर्वाद बोलते हैं वो वैसा टाइप का, आई थिंक वैसा टाइप का, कि इंगेजमेंट टाइप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। धनश्री क्योंकि वो टोनी के साथ म्यूजिक वीडियो कर रही है इसीलिए हीरोइन शायद वही है। नहीं धनश्री के साथ ऑलरेडी आ गया है, मतलब शूट हो गया है म्यूजिक वीडियो उसका, तो कुछ ट्रेलर वगैरह भी आया है। आई डोंट थिंक कि धनश्री होगी दीदी, बात पक्की टाइप। अच्छा ओके, मतलब हाँ, हम लोग में भी होता है बंगाली लोग में कि जब शादी होने वाला होता है ना तो आशीर्वाद होता है, तो हम लोग आशीर्वाद बोलते उसको। तो वैसा मैंने सुना कि यार निश्चय का रोका हो गया है, सच बात है? मैं पिक्चर भी देख रही थी कि कुछ एक दिन का व्लॉग तो मिसिंग था डिंपल आंटी के चैनल से, जहाँ पे वो लोग यू नो अपने नए घर में थे और एवरीवन वाज वेयरिंग ट्रेडिशनल, प्रेरणा दीदी फिर डिंपल आंटी, निश्चय वाज वेयरिंग ए शेरवानी। तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रिया बोल रहे दीदी रोका मीन्स शगुन देते हैं एंगेजमेंट से पहले। ओ अच्छा ओके इतने नहीं पता मुझे। नहीं मेरा निब्बी दिल हाय श्रियंका का दिल टूट गया, हाय हाय हाय। अरिजीत सिंह बोल रहे हैं आप बहुत प्यारे हो दी जो आप मनीषा अभिषेक के बारे में बात करते हो। थैंक यू, मैं अच्छे लोगों के बारे में बात करती हूँ ऑलवेज, कोई कुछ अच्छा करता है तो अप्रिशिएट भी करती हूँ। दी आज कहागी धनश्वरी टोनी कक्कर का गाना आ चुका है, हाँ कुकिंग टाइम लक्ष्मी, हाँ राइट, आ चुका है या आने वाला है, आई डोंट नो, बट धनश्री के साथ नहीं है, मतलब फीमेल लीड में अभिषेक के साथ कौन है वो अभी तक किसी को नहीं पता है गाइज। लेट्स होप कोई अच्छा हो। सालो तुम लोग हंस रहे, मेरा क्या, मेरे से शादी हो चुकी मेरे तो बिग बॉस ओटीटी 2 खत्म हुआ, उसके कुछ महीने बाद नवंबर को आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, मेरा क्या है भाई। दीदी ये बोलो गाइस एक बात बोलना था, प्रीति ठीक है उससे मेरी मेरी बात हुई है, सब परेशान ना हो, अभी बेड रेस्ट पे है, ठीक होगी तो आएगी, बोलिए। ओके ओके हाँ प्रीति मेरे को बहुत दिन से नहीं दिखी है, आई वाज आल्सो वरीड अबाउट हर कि ठीक है या नहीं। मैंने देखा आज वो उसने कमेंट भी किया था कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने बोला है ब्रेड बेड रेस्ट के लिए, मैं देख रही थी। गाइस अगर वो मनीषा हुई तो स्टोरी टाइम बोल रही है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ठीक है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि मनीषा हो। हाय सना, अभिषेक का सोलो भी हो सकता है। और मुझे ना ऐसा लगा कि लास्ट डे मैं तुम लोगों को बोल भी रही थी कि यार अभिषेक वो जो ट्रेन में शूट कर रहा है वो किस चीज का शूट था, तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, मुझे लग रहा था थगेश का शायद शो होगा, किसी ने बोला भी था कि शायद थगेश का शो है वहां पे अभिषेक गया हुआ है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यार उसका शूटिंग चल रहा है टोनी कक्कर के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाना थोड़ा सा ना थोड़ा वो सैड सैड टाइप का होगा, मतलब थोड़ा सा वो, क्योंकि अभिषेक का फेशियल एक्सप्रेशन देख के वैसा ही लग रहा था कि थोड़ा शायद सैड टाइप का सॉन्ग है, तो हो सकता है कोई फीमेल लीड ना भी हो, सकता है वो सिंगल भी हो, तो नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा क्या है। आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड गाइज, मतलब तबीयत खराब है नहीं तो अभी तुम लोग को डांस दिखाती हूँ मैं, पता है इतना तबीयत खराब है फिर भी देखो उस रूम में तुम लोग को दिख रहा है मेरा वर्क स्टेशन रखा हुआ है, काफी
काम करते करते लाइव में आई हूँ मैं, बाय द वे काम कर रही थी, सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लूँ, एक पैनल कर लूँ उसके बाद। हेलो अंजलि, हाय रवीना, दी जिम्मेदारी पे है शायद, हाँ वैसे ही टाइप का कुछ, थोड़ा सा सैड टाइप का सॉन्ग है, पर जो भी है अभिषेक इज लुकिंग वेरी हैंडसम। अच्छा नहीं, मैं फोटो दिखा रही थी तुम लोग को, रुको, अभिषेक ने नया पिक्चर डाला है, ये भी शायद शूट का ही है। अरे चौको को पता नहीं क्यों जब मैं लाइव आती हूँ तभी इसको भौंकना होता है, पूरा सुबह से पूरा एकदम शांत रहेगा, ठीक है, पूरा शांत रहेगा, कुछ साउंड नहीं, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं करेगा, जैसे ही मैं लाइव आऊंगी उसी टाइम पे उसका चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। दीदी आपका डॉगी है कि नहीं? मेरा डॉगी नहीं है, मेरे पड़ोसी का डॉगी है, मेरे पड़ोसी का डॉगी, मैं खुद को नहीं संभाल पाती बेचारे डॉगी को लेके, क्यों फालतू उसका। मेरा मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, पता है, सच बता रही हूँ, घूमने नहीं गए कितने दिन से, कितने महीने से, अभी तक घूमने नहीं जा पा रही हूँ, नए नई शादी हुई अभी तक हनीमून के लिए टाइम नहीं निकाल पाई हूँ मैं, सोचो तो खामखा एक बच्चे को लागे क्यों तकलीफ देना, पड़ोसी का है बट हम लोग का भी है, मतलब हम लोग भी खेलते रहते हैं उसके साथ। कुछ लोग अभिषेक के नाम पर चैनल ग्रो करके फिर अभिषेक को ही हेड देने लग जाते हैं, आप ऐसा मत करना, सोनिया बोल रही है। सोनिया आई लव अभिषेक, मेरे से होगा ही नहीं, आई लव अभिषेक एंड मनीष आया, मेरे से होगा ही नहीं कि मैं इन दोनों को हेड दू। आई एक्चुअली डू नॉट गिव हेड टू एनी बडी, मतलब इवन इफ इट इज एल्विश, आई डू नॉट गिव हेड टू एल्विश, बट हाँ जब भी कुछ अनशंड काम करता है तो आई क्रिटिसाइज बिकॉज दैट इज माई जॉब। वो डॉग एल्विश का राजदीप बोल रहा है, वो डॉग एल्विश या बेबी का फैन है। आज मैंने वो पिक्चर पे बेबी का की फोटो लगाया ना तो चौको को पसंद नहीं आया इसलिए चिल्ला रहा है उसका पिक्चर क्यों लगाया। गाइस आइसक्रीम कौन कौन खाएगा प्लीज बोलो मत, मेरा नाक बंद है, ऐसा नहीं करते। सुप्रिया बोल रही है आजकल मनीषा का जो फायर मोड ऑन है बाय गॉड सीरियसली है, मतलब बंदी एकदम आई डोंट गिव अ डैश अपने उस एरा में है। एंड अरे यार सही में बबीता जी का क्या हाल है, बाय द बबीता जी बबीता जी ने एक बहुत ही मतलब फायरिंग रील डाली थी, तो आप लोगों ने देखा? अरिजीत सिंह बोल रहे कुछ मनीषा के बारे में बोलो ना, जरूर जरूर बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, पहले कुछ टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, ठीक है। एल्विश का इंटरव्यू आया कल, देखा आप लोगों ने शायद देखा होगा। एक चीज यार मेरे को सही लगा एल्विश के बारे में, जो देखो जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो नहीं है उसको नहीं, बोलती भी नहीं हूँ मैं, बट जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों इंटरव्यू में ना बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, बट उसने सही तरीके से आंसर किया। जैसे कि लास्ट वाला जो उसका मैंने देखा, कोई आदिति शर्मा है शायद उसके साथ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरव्यू, तो वहां पे भी उसने मनीषा का टॉपिक उठाया कि कुछ दिन पहले मनीषा के साथ आपका ये कंट्रोवर्सी हुआ है, मनीषा ने ऐसा कुछ बोला है व्यूज लाइक, तो उसमें भी उसने स्मार्टली आंसर किया है, मैच्योरली हैंडल किया है क्वेश्चन को, विच इज गुड, जो अप्रिशिएबल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कि फालतू का कुछ भी टॉन्ट वॉन्ट मारने की कोशिश नहीं की जैसा वो अपने ब्लॉग में कर रहा था। हाउएवर ही हैंडल इट इन अ वेरी गुड वे। दी बेबी का एल्विश फ्रेंडशिप को फेक अनामिका बोल रहे, बाय द वे आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी सैड फॉर बेबी का, बेचारी ने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया उसको इंटरव्यू में, जब
एल्विश से पूछा गया कि आपने बेबीगा की स्टोरी देखी थी जो उसने लगाई थी आपके पापा के बारे में, मतलब सॉरी उसके पापा के बारे में, कि उसके पापा ने आपकी भविष्यवाणी की थी कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो एल्विश ने यार सीधा मना कर दिया एकदम कि उसकी स्टोरी तो देखी नहीं मैंने। आई फेल्ट वेरी बैड फॉर बेबी का यार, सीरियसली। इतनी गाली खाने के बाद भी रोस्ट करेगा वो एल्विश। आप जो भी हो, सी चाहता तो कर सकता था कि दोबारा से कुछ भी अंड शंड बक देता, बट एटलीस्ट नहीं बका, स्मार्टली हैंडल किया तो ठीक है। प्रिया क्या बोल रही है? हेलो प्रतीक, ओके। सलमा बोल रही है एलविश भाव। गाइस अभी हमें कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, प्लीज। महिमा बोल रही है हम लोग थोड़ी चाहते हैं फंसना, ये तो लोग हमारे ना मतलब अभिषेक और मनीषा के नाम ले लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। हम लोग तो अपने में मस्त है यार, क्योंकि हमारे बंदे तो यार काम कर रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं। अभिषेक अपने काम पे फोकस कर रहा है, मनीषा अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है, काम पे फोकस कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते सब। प्रतीक मैं ठीक हूँ, कौन है प्रतीक? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है प्रतीक? गौतम, हाय गौतम। ओके ओके ओके। कल मनीषा ने एक स्टोरी लगाई रात को, किस किसने देखी वो स्टोरी बताओ भाई। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लड़की प्यार में है, ठीक है। उसकी हरकत देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार में है, कुछ तो चक्कर है। ये वाला स्टोरी था, अरे यार ये दिख भी नहीं रहा है सही से। छोड़ो मैं बता देती हूँ। मतलब स्टोरी ऐसा टाइप का था कि व्हाई आई डू नॉट बिलोंग टू दिस जनरेशन, बिकॉज आई डेट टू मैरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ऐसा टाइप का। तो तुम लोगों को क्या लगता है, इज मनीषा इज इन लव विद समबडी और लाइक ऐसे ही पोस्ट कर रही है, क्या लगता है तुम लोग को? प्रिया बोल रही दी लिंक दो, सॉन्ग सुनाऊंगी मैं। हाँ हाँ लिंक देती हूँ। अंजलि बोल रही है देखा है, क्या लगता है तुम लोग को? मेरे को तो लग रहा है कि कुछ कुछ तो चक्कर है। कुकिंग टाइम लक्ष्मी बोल रही है दीदी आज मैं एल्विश फैन की ट्विटर स्पेस यूट्यूब पर सुनी हूँ, इतना अच्छा वहां बात कर रहे थे, मैं सोची सबका दिमाग ऐसे ही क्यों नहीं काम करता है। सही बात है, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है यार कि इतना हेटरेट का फायदा क्या अल्टीमेटली। सी आई डू बिलीव इन वन थिंग कि यार लाइफ ना बहुत छोटी सी है, ठीक है, बहुत एक ही है, बहुत छोटी सी है। तो इसमें जितना हो सके कोशिश करो लोगों के लिए प्यार बांटने का, और अगर प्यार नहीं भी बांटना है तो एटलीस्ट नफरत नहीं बांटने का। फालतू में ये लोग इतना गाली गलौज, इतना इतनी गंदी गंदी चीजें अभिषेक को मनीषा को बोलते हैं तो मैं ट्रिगर्ड हो जाती हूँ फिर, बट क्या ही किया जा सकता है। मैम वो विशाल के प्यार में तो नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है विशाल के प्यारे प्यार में तुम हो गौतम। तुम हो क्या? विशाल का नंबर दू दी। वैसे स्टोरी नहीं लगाती कुछ भी, कुछ तो चक्कर है, प्यार में है शायद किसी की। पब्ली बोल रही है मुझे भी ऐसा लग रहा है किसी के प्यार में हो सकती है। अनामिका बोल रही है गौतम ये अविया लाइव नहीं है। हाँ सही बात है, गौतम ये अविया लाइव नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आंट शंट बकोगे तो पूनम दी सॉन्ग नहीं कहा गया, सुनाऊंगी मैं, मुझे मुझसे ना होगा। नहीं अब तो तुमको सुनाना ही पड़ेगा प्रिया, तुमने बोल कल से मेरे को बोल रही हो कि मेरे को सॉन्ग सुनाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं सॉन्ग सुनाने का, अब तो तुमको सुनाना ही पड़ेगा।
दी वैसे तो मैं भी लगती हूँ, अनु सॉरी अंजलि बोल रही है, स्टोरी लगाती हूँ इस टाइप का, बट आई एम सिंगल, तो शायद मनी को भी अच्छा लगता होगा ऐसे स्टोरी, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट ज्यादातर ये मतलब लोग ना, है मेरा बुखार चल रहा है मेरे को लग रहा है, ज्यादातर लोग ना जब प्यार में होते हैं या थोड़े बहुत यू नो मतलब मैं जैसी इंसान हूँ वैसे तो मैं बहुत कम बुरे मूड में रहती हूँ, बाकी टाइम पे मैं मतलब मोस्टली मैं बहुत अच्छे मूड में रहती हूँ, तो मैं ना सैड स्टोरी वगैरह लगाती नहीं उतना, तो जब मूड ऑफ होता है ओनली दैट टाइम लगा लेती हूँ। पैनल में ज्वाइन कैसे होते हैं? देखो मैंने एक लिंक दिया है, उसको स्टार मार्क किया हुआ है, लिंक में क्लिक करो, दी मेरा कमेंट पर मीरा बोल रही है, ओके ओके ठीक है, लिंक पे क्लिक करो, उसके बाद अपना माइक और कैमरा खोल लो एक बार, फिर कैमरा बंद कर देना, हो जाएगा ज्वाइन। मीरा ने बोला है कुछ दिन रुको, दी एलविश फिर से कुछ ना कुछ कांड करेगा, अभी वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि सब लोग उसके उसको प्यार दे। हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अरे किसी का तो आया फिर चला गया भाई एक चीज नोटिस करी तुम लोगों ने? एक चीज नोटिस करी, कल अभिषेक के चेहरे पे ना एक अजीब सा खौफ था, आई डोंट नो, मतलब मैं किसी गलत इंटेंशन से ये चीज नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि यार अभिषेक वॉज प्रेजेंट देयर, और उस चीज को ना मतलब उतना अच्छा तरीके से ही वॉज नॉट टेकिंग इट, क्योंकि उसको पोक वोक भी कर रहा था और चैनल वालों ने उसको बुला लिया अभिषेक को एज अ गेस्ट, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो तुम लोगों को लगा कि नहीं लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ चल रहा है उसके दिमाग में कि यार इसको क्यों बुला लिया भाई। हेलो दी, मेरा इंस्टा आईडी बोलो ना, कहाँ है आपका इंस्टा आईडी? अच्छा मेरा हेलो अपना, मेरा इंस्टा आईडी, मेरा इंस्टा आईडी क्या है? मैं खुद मुझे खुद नहीं पता क्या है, एक मिनट रुको। हेलो प्रिया कैसे कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मेरा इंस्टा आईडी है PUNAMBHOWMICK07, मेरे को खुद ही नहीं पता है क्या है, रुको लिख देती हूँ। दे दीदी दिया एक इंस्टा बात आईडी। हाँ पूछनी है बोलो मेरे को। पहले बोलो। पहले बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता था, या हिस्ट्री में ना नाम आता था किसने ये किया। आजकल के हिस्ट्री पे क्या नाम आएगा? एल्विस ने कंट्रोवर्सी कर दी, मनी ने उनको, मतलब बच्चे ये सब पढ़ेंगे। हाँ ये बात तो सही है हिस्ट्री में यही नाम आने वाला है। सलमा बोल रही है प्रिया स्टार्ट करो, मेरे कान तरस रहे हैं सॉन्ग सुनने के लिए, चलो प्रिया चलो सुनाओ सॉन्ग। मुझसे नहीं होगा, मैंने करके देख लिया, मेरे सॉन्ग नहीं तुम खुद बोल रही थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सॉन्ग सुनाओ होगा। नहीं, कौन है? हेलो रितु गर्ग। हेलो, हाय रितु, यार मैं पहली बार, एक बात मेरे को पूछने दो। नहीं आप बोल लो पहले। हाँ जी हेलो। रितु बोलो। हाँ बोलो हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ आपकी लाइव में। अच्छा लग रहा हेलो। है, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप कैसे हो? बढ़िया, मैंने सोचा मैं भी आज ज्वाइन होकर देखती हूँ। सही किया सही किया। हाँ, और अभिषेक मुंबई में ही है अभी तो, शायद हाँ अभी मनीषा से शायद मिले। देखो उसी का वेट चल रहा है कि कुछ तो दिखने में आ हाँ, जाए।
एल्विश और अभिषेक तो मिल लिए, लेकिन पिक कोई नहीं आई। हाँ ना ही एक दूसरे के व्लॉग में कुछ आया, मतलब एलविश का तो कल का व्लॉग आ गया, उसमें तो कुछ भी नहीं है अभिषेक का। दोनों में मनमुटाव तो चल ही रहा है। अच्छा मनीषा ने तो वो भी नहीं डाली स्टोरी, 10 मिलियन कंप्लीट होने पर फोन पर ही बधाई दे दी होगी। हाँ अरे वो एक्चुअली पता है चीज, अभी सिचुएशन क्या है, इतना ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा हेट मिला है ना उन दोनों को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ना बहुत ज्यादा मतलब घबराते हैं कि साथ में अगर कुछ भी दिख जाए या सामने आ जाए तो फिर से वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, ये मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनीषा की एमबी का पता चला कब को आएगी? नहीं अभी तक तो कुछ डेट पता नहीं चला है, बट होपफुली बहुत जल्द आ जाए। ओके आप करो बात। ओके कहाँ गई प्रिया? प्रिया क्या गई लिख रही हो तुम? मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब तो तुमको गाना ही पड़ेगा। चलो मानवी को ना, मानवी को ऐड करो दी। एक मेरे को बात पूछनी हाँ है बोलो। कि ऐसा कोई पब्लिक फिगर नहीं है जिसको हेट नहीं मिलता हो, वैसे तो सब हाँ बात तो सही है। है। तो मेरे को एक बात नहीं समझ आती, सब बोलते हैं हेट मिल रहा है, हेट मिल रहा है, यार मिलेगा ही उसको हेट। वो पब्लिक फिगर है, उसको सब जज करेंगे ही, वो क्यों, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। हेट मिल रहा है, हाँ मिलेगा, तुम भी दो, तुमको देना है तो प्यार भी तो मिलता है। तो मनीषा ओनली प्यार को देखती है, बट ये लोग उसके लिए बुरा लग रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और उस दिन विशाल ने उसके लिए स्टैंड लिया, कुछ लोग बोल रहे हैं ये गलत था, उसको डबल हेट मिलेगा। वो अपने फ्रेंड के लिए अब स्टैंड भी ना रहे हेट के लिए, ये तो सही गलत है बात ना है, दी। सही बात। उसकी मुझे मर्जी, भी वो ऐसा अपने लगता है दोस्त कि के लिए स्टैंड ले यार रहा है। अगर एल्विश केन से आ रहा था, उसके फ्रेंड्स रिप्लाई कर रहे थे, तो मनीषा केन से भी किसी ना किसी को बोलना चाहिए था, जो क्या नाम है उसका, विशाल ने बोला, विशाल ने तो बोला, इसमें कुछ मेरे को ना पहले बुरा लगता था कि विशाल क्यों बोल रहा है, लेकिन अब लगता है ना कि नहीं, मनीषा बोलते उसके पीछे एक खड़ा है जो उसका स्टैंड ले सकता है। ऐसा मेरे को अब लगता है कि नहीं, वो स्टैंड ले सकता है। कुछ लोग जो बेफालतू को उसको हेट देते हैं कि विशाल ने गलत कर दिया, उसने सही स्टैंड लिया है उसने। सही बात है। ये कौन है, अभिषेक सिंह? बैग क्यों दिखा रहे भाई? मानवी को ऐड कर लो दी। हाँ मानवी को ऐड कर दिया, अंजलि, अंजलि तो तू मानवी को ऐड ऐड कर तो दिया। दे, रिक्वेस्ट हाय तो दीदी, दे। हेलो हाँ अभिषेक मानवी, सिंह मैं कैसे ही हो? दी। हेलो अरे ओ अच्छा मैं ये बोल रही थी, ये आपने क्रेजी डीप का ट्वीट देखा, मेरे को तो मन कर रहा है उसको चांटा मार के। वो भी हाइप लेने मानवी के सच लिए कर रहा बताओ, है। हाँ मानवी वो तुम्हारे चांटे के भी लायक नहीं है, तो उसको अरे इतना देख ना, मनभाव मत। मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है वो ना पक्का ये बिग बॉस वाला टॉपिक उठा लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत घटिया उसका उसका खुद का देखना, यूट्यूब पे सारे कंटेंट लड़कियों को गंदा गंदा बोलना यही है, और वो किसी और को क्या जज करेगा। सही बात है भाई, जज कर किस बेसिस पे रहा है, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा। मनीषा ने उसने पर्सनली क्या बिगाड़ा है, वो चीज तो मेरे को समझ में नहीं आ रही। अरे उसको बस टॉपिक चाहिए, वो हर ने जैसे जो कंट्रोवर्सी होती है ना उस, अब देखो इसमें क्या, एल्विश मनीषा है, वो एल्विश को कुछ बोल नहीं सकता, तो सी सी भी है मनीषा को टारगेट करेगा, उससे व्यूज मिलते हैं, जो नया नया चीज आता है ना मार्केट में उसको उठा लो, वीडियो बनाओ डाल दो। सही बात है। अंजलि बोल रही है दी मेरे को ऐड करो, मनी के बारे में बात करो। अच्छा ये अरिजीत सिंह बोल रहा है दी एडमी। अंजलि तुम कौन से नाम से हो, राज नारायण यादव इस नाम से हो क्या? दी ऐड करो मैं अभिषेक सिंह। अरे यार ये मानवी बोल रही है कि अभिषेक सिंह मैं हूं, तुम बोल रही हो मैं हूं। मैं हूँ। हेलो दी, हेलो हेलो अंजलि, हेलो सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मेरे तुम को कैसी समझ हो? में मैं नहीं आ रहा तो था कैसे ऐड होगा। हो गया, चलो फाइनली हाँ अब हो हो गया। गया। हाँ
फर्स्ट टाइम कोई दीदी पैनल मतलब मनीषा ज्वाइन की खतरों हूँ, में जा रही है क्या? आई डोंट थिंक सो। पर वो जिम आजकल कर रही है ना, तो मुझे लगा मे रुको भी। रुको रुको, मेरे को एक बात बोल रही है। कुछ लोगों को लग रहा है ना कि बेबी का क्यों मनीषा अभिषेक का नाम यूज करके उसे हेट देती है, तो मैं बता दूं उसका वही काम है, उसी से ना व्यूज आते हैं, नहीं तो मीडिया वाले नहीं उससे पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, उसका इंटरव्यू नहीं नहीं लेंगे, लेगी उसके तो बारे उसको में पूछेगा गलत ही बोलेंगे, तो कौन, वही उसे तो। पूछेगा कौन। और आज आपने बॉलीवुड स्पाई का इंटरव्यू देखा भाई, कितना शुगर कोटिंग, कितना शुगर हाँ कोटिंग, देखा देखा। इतना अरे मतलब वो इतना जो अच्छा। बॉलीवुड वाली है ना, वो अदिति, वो पागल लगती है पूरी, अरे वो वो पीआर बस है उसकी, उसकी पीआर कंट्रोवर्सी है। करवाती है। और क्वेश्चन उल्टे पूछ रही थी कि आपके पास फोन नहीं आया, मतलब ये नहीं पूछा कि आपने झलक कुछ नहीं किया, ये सब नहीं पूछा। अरे उसको ना वो क्या बोलते हैं, ओटीटी वगैरह में तो बिग बॉस में भेज दो, बहुत अच्छा करेगी, वो बड़ी पागल। अंजलि अपने सैवेज मूड में। मनीषा का आगे का क्या प्रोजेक्ट रहेगा यार? मैं अब चाहती हूँ वेब सीरीज को तो ऐसा करे, ये लोग बहुत मनीषा का तो बकवास अभी कर। म्यूजिक वीडियो तो आने वाला है, वो तो सोलो ही है उसका। मनीषा तो अपना काम कर ही रही है, बाकी लोग जल रहे हैं। सही बात है, जलने वाले जलते रहे, मनीषा अभिषेक का चर्चा चलते रहे। हाँ अभी कल मैं देख रही थी सब लोग की एल्विस के साथ काम कर रहा है एल्विस। अरे भाई उसका प्रोजेक्ट है, वो प्रोफेशनल लाइफ अपनी नहीं करेगा, तो देखो मतलब इतना तो पता चल गया उनके बीच कुछ अच्छा नहीं है, मतलब बातचीत नहीं, टेम्पटेशन आइलैंड के बाद हाँ। अब बात हो रही है। ये चीज तो मैंने कल बोली थी लाइव में कि आई डोंट थिंक कि अभी वैसा वो भाईचारा ऑन टॉप, वो तो वैसे भी तो कभी था भी नहीं, यार तो कोई इंसान नेगेटिव केयर कराएगा तो कौन भाईचारा रखे उसके साथ। ऊपर हाँ से सही बात है। आजकल उसको पता चल गया है कि मेरे को अच्छा बनना है ऑडियंस अच्छा, तो वो अच्छा बोल, आज इंटरव्यू में तो इतना भोला बन रहा था ना सच्ची। हाँ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस एकदम, मतलब ऐसे साइड किया तो प्रोफेशनल तरीके से, और मेरे को अच्छा ये लगा तो देख के यार, उस एटलीस्ट कुछ अंडरस्टैंड नहीं बका किसी के बारे में भी। उसको पता चल गया ना कि मेरा ये कंट्रोवर्सी वाला सबको पता चल गया है, तो काहे लिए बकेगा, 2-4 दिन रुकिए फिर बकेगा, वो उसका काम है, नेचर नहीं बस अब बदलेगा मैं उसका। चाहती हूँ मनीषा कुछ ना बोले इस टॉपिक को, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा, बस हो जाए एंड। हाँ मनीषा वैसे भी भाव नहीं देने वाली है, वो उसको नहीं बस बोलेगी, टाइमिंग। हो गया उसका। हाँ बोलो बोलो बोल रही है, सच बोलो। में निश्चय का रुका हो गया, मेरे अरे पास हाँ पिक प्लीज नहीं मेरे को भी आया, ये चीज मेरे कोई को बताओ, बताया प्लीज नहीं, मेरे को ये चीज कोई बताओ। मेरे को कल पता चला। ये रोका रोको, हो मैं कैसे आप लोगों को लग रहा है रोका हो गया? बहुत लोग बोल रहे हैं, आई डोंट नो, ट्विटर पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस दिन का जो व्लॉग है वो नहीं आया डिंपल आंटी के चैनल पे, और उस दिन सब ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, नोनू उसने शेरवानी पहनी हुई थी, मैं पिक्चर दिखाती हूँ रुको, तो घर सब का बोल भी रहे हैं कि कोई कुछ तो फंक्शन हो गड़बड़ सकता है। है। हाँ पर अगर हाँ घर का देखा फंक्शन होता तो एटलीस्ट व्लॉग तो आता, नए घर का कुछ नहीं दी, मेरे होता। को एक बात बोलना है। हाँ बोलो बोलो। मैं मतलब कल से देख रही हूँ, जब से ये निश्चय वाला फोटो वगैरह आया है तो लड़कियां बहुत परेशान हो गई हैं। काहे लिए परेशान, औकात से बाहर क्यों सोचना, ये श्रियंका को बोलो। मेरे को भी ये समझ नहीं औकात, आता, मेरे को भी समझ नहीं हाँ आता। औकात, औकात से बाहर सोचना ही क्यों है, जो श्रियंका बोल रही है मेरा निप्पी दिल। वाली हरकतें। मतलब मेरे को तो निप्पी वाली अभिषेक पसंद है, हरकतें। बट कभी भी क्रश नहीं आया, किसी भी नहीं आता है, औकात से बाहर सोचना ही क्यों है। अंजलि सेम भाई, मतलब ठीक है यार, ठीक है पब्लिक फिगर है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, पर यार हाँ थोड़ा क्या हाँ क्रश वही ही बना ना, दो जबकि पता है कि कुछ नहीं होगा। इस जाते दिन का औकात याद से है बाहर, पिक्चर आया था बट कोई व्लॉग या कुछ ऐसा नहीं आया था। हाँ अंजलि तेरी वॉइस नहीं आ रही। हाँ आ गई। अरे राज नारायण यादव हम लोग के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हाय राज, आपको कुछ बोलना है? अभी क्या बोलूँ, आप लोग सब लेडीज से उसमें कुछ ठीक है, मैं सोचा कोई आएगा आदमी तो बात करेगा। है? आप जिसके चैनल पे अरे आप ज्वाइन बोलो किए वो बोलो खुद ही तो बोलो। लेडीज है, नहीं फिर भी कोई ये क्या आदमी बात हुई? रहती,
अभी कोई आदमी रहता तो उससे बात, अभी मैं कुछ बोलेगा तो बुरा लग जाएगा, छोड़ जाना दीदी, ढूंढ के लाओ जल्दी आदमी, ढूंढ लो। मैं कुछ बोलेगा तो आप लोग बोलोगे लेडीज के साथ ऐसा बोल रहा है इसलिए छोड़ जाना। आप लोग राज, आपको अगर कुछ भी रेस्पेक्टफुली रखना है तो आप रख सकते हो, यहाँ पे कोई गाली गलौज नहीं करने वाला। अरे मैडम इतना पागल नहीं, गाली गलौज में लेडीज। हाँ बस तो आप बोलो, तो बात करने में लेडीज और जेंट्स क्या है, मतलब मैं अब कहाँ से जेंट्स ढूंढूं। गाली पे कंट्रोल रखना, बाकी आप जो बोलना बोलो। अभी उसके ऊपर जो केस लगा, क्या वो प्रूफ हुआ वो केस, मतलब उसके ऊपर नशा बेचता था उसके पूरे गांव में, तो एक आदमी नहीं बोला आज तक जाके गया बीपी, पूरे गांव में आज तक कोई नहीं बोला कि वो नशा कैसा करता है, पूरा गांव में तो कोई बोलना चाहिए। और कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं, और ये मनीषा विनीषा क्या है उसके सामने, अभी तो थोड़ा केस के वजह से शांत है। और विशाल सिंह के बोलता है कि तो, अर्चित को पहले सुनो मेरा एक बात, विशाल सिंह बोलता है कि अर्चित का फेम लेता है, वो खुद भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के पीछे पीछे घूम के फेम लेता था, अभी मनीषा के साथ घूमने लगा। और लड़की का सम्मान का बात करता है, महेश पांडे एक यूट्यूबर था भोजपुरी का, उसको एक लड़की द्वारा ब्लैकमेल करवा के पकड़ के मारा था विशाल पांडे। रुक जाओ अब मेरे को बोलने देना, ठीक है दीदी? आपने ये बोला, अरे रुको ना आपने क्या बोला, आपने पहले क्या बोला कि उसके गांव वाले ने जाके बोला तक नहीं, तो भाई आपने ये भी बोला अभी कि एल्विस बहुत ऊपर तक है, तो उसके गांव वालों ने जाके क्यों स्टैंड ले लिया, पहले ये बता दो। गाँव वाले ने पूरा सपोर्ट किया, वो गाँव वाले बोले अगर इधर से नहीं होगा तो सीएम तक जाएंगे, और ऐसा थोड़ी जाके देखो उसका, अगर सीएम कहाँ हो गया था, सीएम कहाँ हो गया था ये बता दो फिर। अरे सीएम ने अगर बोलते उधर कुछ बोला ही नहीं, अरे सीएम ने कुछ बोला ना, क्या मैं बोल रहा हूँ समझो, मैं बोला उसके बोले कि अगर नहीं इधर कुछ होता तो हम लोग जाके सीएम से मिलेंगे, पूरे गाँव वाले बोले। और वही केस शाहरुख खान के लड़के को लगा था 1.5 महीना रह के आज। देखो उस टाइम के ना, उस टाइम के लाइव देख लो, उस टाइम के ना लाइव देख लेना, ठीक है? हम सब ने उसको सपोर्ट करा है, बट हर बात वो अपने फ्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो क्या उसको पकड़ के रखेगी कि नहीं तू तो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं होता है ना, रिस्पेक्ट नहीं होती ना, वहाँ हम जाते भी नहीं है। वो भी अच्छा, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जब एल्विश वाज इनसाइड इन द जेल, हम सब ने यहाँ पे लाइव में आके भी ये चीज बोला था कि आई डू बिलीव वो जो भी कांड करे जैसा कांड करे, बट ये सब कांड में आई डोंट थिंक कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसको शायद जानबूझ के फसाया जा रहा है। वी एवरीबॉडी सबने यही चीज बोला यहाँ पे भी। अरे मैडम मनीषा कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद तुम क्या क्या बोली मैं नहीं सुना क्या, बाकी उसमें लाइव वाला सिस्टम नहीं था आने का। हाँ तो अगर मनीषा हाँ तो उसमें तो गलत था ही वो, कुछ भी बोलेगा तो ऑफ कोर्स बोलूंगी। बोलोरो का गाना वो खुद लेके आया, उसको दिया वो भी तो अपना लगाए थे इंस्टाग्राम पे बोलोरो सॉन्ग में, उसका एल्विस का फोटो नहीं था, वो तो ये सब छोटा मोटा बात ध्यान ही नहीं देता। अरे इंस्टाग्राम पे उसने बोलेरो सॉन्ग किसका था, बोलेरो सॉन्ग किसका था, कौन से प्रोडक्शन हाउस से रिलीज किया गया था बोलेरो का सॉन्ग? प्लेडियम हरियाणा वाला से, हरियाणा वाला से, राइट। मनीषा ने अपना खुद का पिक्चर डाला हरियाणा, मनीषा ने उस हरियाणा वाला नहीं है, डीएमएफ हरियाणा पे जो थोड़ी था, जो मेन वाला है उससे था, जहाँ से भी था वो छोड़ो, मैं बोल रही हूँ कि मनीषा ने खुद का पिक्चर लगाया उसमें, ठीक है? बट एल्विश के जगह पे क्या उसने शाहिद कपूर की पिक्चर लगा दी थी कि ज्यादा क्लिक्स है? शाहिद कपूर का क्या, वो तो ऐसा वो भी बोल सकता है मेरा भी गाना है, वो फोटो लगा वो सब बोला, ये सब छोटी मोटी बात पे क्या देने, तो बोला क्यों नहीं, बोल सकता था, बोल अरे छोटी मोटी उसमें कोई बात ही नहीं है, और एड भी ले जाके कटारिया ही ने दिया जो अभी प्रोपो वाले किया। अरे बात तो वही है कि अगर कटारिया खुद जाके अप्रोच कर रहा है कि आके प्रोपो का शूट कीजिए इसके साथ, तो पिक्चर में प्रमोशन के पिक्चर में अभिषेक सॉरी एल्विश ने अक्षय कुमार के साथ पिक्चर क्यों लगाया? आपके लिए छोटी मोटी बात हो सकती है, बट सब मेरे को बोलना है दी। एक बात बोल रहा मेरे को बोलना है बात, एक बात बोल रहा है कि अगर अक्षय का टीम या अक्षय ने खुद वो थंबनेल देख लेता होता ना, तो अल्विश भाई एक बार और जेल जा चुके होते, ठीक है? केस फाइल एक बार और हो चुका होता,
सट्टा पर वोट करवा रहे हो और फोटो अक्षय कुमार का लगा तो होगा ही। वो तो मनीषा भी तो सट्टा प्रमोट कर रही है तो फिर क्यों कर रहे थे, वो क्रीम का प्रचार कर रही थी, सट्टा वो कितना प्रोमो ऐप का नहीं करते क्या? अरे मनीषा ने विदाउट एनीबॉडी तो ऑफर आएगा तो कोई क्यों नहीं करेगा ये बता दो, लॉजिक में तो बात करो। आपके आपके लोग के जैसा 10,000 उसको जेल भेजने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। मतलब जाएगा तो गया था ना, एक लोग नहीं भेज दिया, कौन जेल भेज को, वो तो खुद जा रहा है। वही केस में शाहरुख खान का लड़का 1.5 महीना रहा है, 4 दिन में आया, वो भी 3 दिन कोर्ट का हड़ताल था भैया, उसी में उसी वजह से कर्मा ही उसको मिला। उस टाइम बहुत मजाक उड़ा रहे तुम्हारे भैया जी, इसीलिए गया, कर्मा आता है ना वापस, कर्मा सबका आता है। मनीषा का बहुत अच्छा कर्मा है वो पता है, अभी मेरे से मुंह मत खुलवाओ, जाने दो। अरे तुम मुंह खोलो ही मत, खुलवा कौन रहा है, तुम मत खोलो, जाओ। कहाँ से पैसा ले गए आराम से, कहाँ से पैसा लेके भागी, क्या करती थी वो सब पता है, छोड़ो। मैं भी उधर यूपी बनारस का ही हूँ। हाँ तो मैं भी यूपी बनारस की हूँ, लेकिन तुम्हारे तो मेरे को नहीं पता बिहार कौन, मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार की हूँ। हाँ तो क्या हुआ बिहार की, और इधर अभी बोले हो तुम कि लड़की एक बात सुनो, बाकियों को कैसे नहीं पता है उसका, उसका उसका कोई भी देखो वीडियो हर समय, कोई अपना ऐसा देखता है कि हर समय वही गलत वीडियो बनाती रहती है। चलो एल्विस तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है एल्विस, कम से कम वीडियो में दिखा दो ना। अरे सुनो कम से कम वो सेक्सी सेक्सी मंत्र नहीं बोलवाती है वीडियो में। मैं एक बहुत अच्छा वीडियो दिखा रही हूँ एल्विस करू को, बहुत अच्छा, वो सेक्सी सेक्सी मंत्र नहीं बुलवाती है। राज भाई साहब ने बोला है मनीषा बहुत उल्टा सीधा वीडियो बनाती है, तो एल्विस का भी कुछ देख लेते हम प्रदर्शन। चलो अरे दीदी आपका वो होता ना इंस्टा आईडी, तो मैं आपको एक वीडियो भेजती एल्विस भाई का, फिर पता चलता मनीषा से मनीषा से। एक बात बोल देती हूँ, एक बात बोल देती हूँ भाई आपको, बिहार अलग है, बिहार अलग है, बिहार में सिस्टम नहीं चलता, ठीक है ना, बिहार का सिस्टम चलता है, वो आएगा तो उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उधर भी है बहुत से ऐसे सबसे ज्यादा बिहार से ही रैंडम था। रैंडम ने कैसे सॉरी बुलवाया था, भूल गया है। रैंडम नहीं हो हिंदू तो अभी रैंडम ने जाके खुद कमेंट किया, और जब वो जेल गया तो खुद बोला रैंडम आके ट्विटर स्पेस पे सम्राट भाई की कि मेरे को यार बुरा लग रहा है उसके जेल गया। हाँ तो उस टाइम हमें भी बुरा लग रहा था भाई, तो पूरा बात वो खुद बोला बाहर आए भाई, फिर से हम लोग साथ में पूरा पीछे का भूल के आगे से काम करते है, जाके देखो ट्विटर स्पेस में जाके बोला था रैंडम। और अभी वो गौ माता वाला डाला, वो खुद रैंडम ने पहले कमेंट किया था एलबी साधो भाई भाई क्या भैया जो बोला था पहले वो कमेंट किया। पहली बात बोल जो खोल दी थी, अरे पहली माइनर घर वाली एक मिनट कैसे बोल रहे हैं देसी, पहले रैंडम ने कमेंट किया। एक मिनट पटेल, एक मिनट, पहली बात तो वो कट्टर हिंदू हो ही नहीं सकता है कि जो किसी की माँ बहन की इज्जत ही ना करे, सनातन धर्म में ये सिखाया ही नहीं गया है। अच्छा, अच्छा, वो नहीं वो... करता है किसी की माँ बहन का इज्जत, सनातन धर्म ने सिखाया है। बहुत सही बात, सनातन धर्म में सिखा रहा है। जो अदनान बोलता था अनगबन हिंदू के संग जाके मनीषा उधर रील बनाते उसके साथ कुछ करते, फैजू के साथ जाके दिए वो सनातन बता रहे। तुम लोग समझ आता है मुनावर भाई, आप लॉजिक पे बात करो, और लॉजिक पे बात करो, रेस्पेक्ट से बात करो, ठीक है, रेस्पेक्ट से बात करो, रेस्पेक्ट से। अभी अभी सुनो सुनो, मुनावर से भी तो जाने जाने मिला था। अभी कौन बोला, मैं पहले बोला क्या, मुनावर से भी तो जाने लगा था। आप लॉजिक के साथ बात करो, आप जो बोल रहे हो क्या भाई, आप मेरी बात सुनो, तो क्या हो गया, आपने ये बोला था तो मैं भी बोल रही हूँ, एल्विस एल्विस भी तो जाके गले मिला था, एल्विस भी तो जाके गले मिला था मुनावर से, तो पहले तो क्या बोल रहा था कि माफी नहीं मांगूंगा, पहले क्या बोला कि मैंने माफी नहीं मांगूंगा, अरे तो घमंड था। अरे वो रैंडम से तो भाई इसको हिंदू से नहीं बोला था, वो हिंदू से माफी मांगने को तैयार है, रैंडम ने उसको पहले ही बोला था कि हिंदू समाज से माफी मांगो बाय द वे, बोला जाके एल्विस भाई के, एल्विस भाई क्या ये कोई बोल सकता है, सब बोल सकता है। अंजलि रुको, तो एल्विस भाई की तरह ना मनीषा ने ना
अरे यार सुन लो मेरी क्या बात, बोली एल सुनने ऋषभ नहीं है यादव, मतलब। मनीषा रानी, अरे सुन लो थोड़ी मेरी बात भी, एल ऋषभ यादव की तरह मनीषा ने हिंदू ऑडियंस नहीं बनाई है कि हम हिंदू है, हिंदू के नाम पे ऑडियंस खड़ा नहीं करी है, ठीक है इतना ना, थोड़ा अलग है। इतना अरे बड़ा कोई इतना नहीं जो पहले आप से हिंदुत्व नहीं का नाम उतर यूज रहा है। करके मनीषा ने या किसी और ने भी अपनी जो फैन बेस है वो नहीं बनाई है। अगर एल्विश ने नहीं बनाया बनाई है, है आपके अगर एल्विश एल्विश भाई ने बनाए बनाया हैं। है तभी एल्विश को सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्यों बनाया है। हाँ मनीषा ने तो एलबी से ने बनाया है तो इतना किया भी है। पहला ऐसा वीडियो है एलबी से यादव जो आप जो ध्रुव राठी एलबी से यादव के लिए पर्सनल वीडियो बनाना है, किसी के लिए ध्रुव राठी नहीं बनाता है, खाली एलबी से यादव के जवाब के लिए ध्रुव राठी पर्सनल वीडियो बनाया है, जाके देखो सोच लो, वो उसमें भी उसने इतना इतना अच्छा से बढ़िया से उनको धो दिया था एल्विस को पूरी इतना। अच्छा अब ध्रुव राठी तुमको अच्छा लग गया, तुम लोग ध्रुव को जो एलबी से राठ, गाली तुमको देगा। अच्छा नहीं लगेगा ना, ध्रुव राठी एजुकेटेड बंदा है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को पता है। वो आधा एजुकेट करता है ना, खाली बीजेपी के खिलाफ हर समय बात करता है, और क्या अरे खाली वो हिंदू के बीजेपी के खिलाफ खिलाफ बोलता बोले, वो है। अबे फैक्ट बोलता इज्जत से है। बात कर, मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो अबे अबे क्या बोल रही है। अरे मतलब मैं तुमको ये फालतू लोगों का मेरे पैनल में कोई जगह नहीं है जो रिस्पेक्ट से हाँ बात भी करे, वो अब रिस्पेक्ट आगे देनी लाइन चल रहा था, बीच में आके चाहिए। दिमाग खराब कर रहा है भाई, मतलब ये ध्रुव भाई राठी बोलना, बीच में से कहाँ से आ एक गया तो मुझे नहीं समझ में आ अनएजुकेटेड रहा। वाली बात कर रहा है। कोई लॉजिक है इस बात का? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि लॉजिक एक्चुअली किस चीज का। पहले तो भाई पहले उसने आके ये चीज बोला कि कोई क्या जेंट्स नहीं है यहाँ पे, कोई मर्द नहीं, क्या बात करूं। अरे तुम जिसके लाइफ में आए वो खुद एक लड़की है, तो क्यों आया इधर फिर? अजीब 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 दिमाग वाले इंसान है ये लोग। फिर बोल रहे मनीषा नहीं, भी करी दिमाग मेरे साथ। दिमागी नहीं है दी, अजीब क्या, हाँ दिमागी सही नहीं बात है है। इन फिर लोगों में। बोल रहे कि मनीषा ने तो उसके साथ उस टिकटॉकर के साथ उसके साथ भी वीडियो बनाई थी। अरे तो क्या हो गया, हाँ मनीषा ने मैं तो आज हिंदू तक, हिंदू करके आज अपना तक फैन बेस ध्रुव थोड़ी बनाया राठी है। हो या एल्विश यादव, मैंने इन लोगों की वीडियोस देखी नहीं तो मैं नहीं बता सकती। बस नहीं ध्रुव राठी कैसा नहीं है, देसी कि ध्रुव राठी बहुत अच्छा बंदा है, मुझे वो ये इन लोग नहीं का समझ पोल में खोल आया, देता है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये बीच में से बीजेपी, ध्रुव राठी, ये सब कहां से आ गया था? दी वो भी मतलब ध्रुव राठी ने ना दीदी उसके खिलाफ में वीडियो दी बनाया, फिर भी प्राउड से बोल रहा है। सुनो, हाँ अरे बोलो रुक बोलो। रुक अंजलि, रुक रुक रुक, मैं बोल रही हूँ हाँ कितना ठीक अच्छा बोल। भाईचारा है, रैंडम ने गुस्से में उसकी सारी पोल खोल दी, और ऐसा भाईचारा है ना कि जब भाई जेल गया था ना तो पीछे से कटारिया हाँ और अर्चित दिलक्षा ब्लॉग ही नहीं बना रहे थे, और ऊपर गायब से हो गए थे, और इस भाईचारा रैंडम एकदम तक ट्वीट भी कूद कर रही रहा है था, इन्हें। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा। ऐसे ही ऐसी भाईचारा जो है ना वो बस एल्विस और उनके भैया लोग के पास ही रहे, किसी के पास अरे ना सब जाए। दिखावा है, सब दिखावा है, बस क्या ही बोलूं मैं, सब पैसा दिखावा है। हाँ बस पैसा के लिए तो हो रहा है कि अरे अभी पता है हिंदू। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। अरे दी मेरे पास एक वीडियो आई है, हाँ दो भेजो मेरे को। भाईचारा की ना, नहीं दो भाईचारा की ना डांस की वीडियो आई है, कैसे कौन सी? डांस करते हैं सिखाया गया उसमें। यार क्या अरे ही अजीब बोलना, बात करता है, उस मेरे वीडियो को का ये अगर बंदा दिखा दी ना कौन सा मैं ये तो ये रोते भागेंगे। राज, राज अजीब है ये बोल रहा है कि हाँ मैंने देखा है कि आप लोग, आप क्या, मैं इस चैनल पे आपने क्या बात किया उसके बारे में, तो जब मेरे को लगेगा कि वो गलत बोल रहा है तो मैं क्रिटिसाइज तो करूंगी ऑफ कोर्स, बट जब वो नहीं जेल नहीं गया तो उस टाइम पे हम लोग भी अंधभक्त तो बन जाते हैं ना, सबको सही बोलते हैं, हाँ वही किसी को बात है, गलत नहीं वही बात बोलते। है। एक्चुअली वो जैसा अंधभक्त है, वो सोच रहा है कि सभी अंधभक्त होंगे कि आंखों पे पट्टी बांध लिया है, एकदम एल्विश यादव सडनली हाथ में रुद्राक्ष का माला पहन के आ गया, तो इससे बड़ा हिंदू तो और कोई नहीं सकता है। गाली अजीब दिमाग है इनका। देना बहुत हिंदू वाले बात हो गई उन लोग की। मैं तो जिधर रहती हूँ उधर एल्विस को कोई जानता भी नहीं है। वही तो, ये जो बोल रहा है कि मनीषा ने ये क्या किया है हम सबको पता है, हम यूपी बिहार से है, भाई यूपी बिहार से बहुत लोग हैं, उनको काहे नहीं पता है, फिर इस अकेले को कैसे पता है? मैं भी हूँ यूपी दीदी से ही हूँ मेरे मैं घर भी। पे है, मेरे घर पे है, बट ना वो ऐसा अंधभक्त तो बिल्कुल नहीं है, वो वही तो, था अंधभक्त अब बनो नहीं मत। है। हेलो वो बस साना लिख दिया फैन एल्विश था, का दो भाईचारा दो टिकटी छब्बीस के टाइम, अगस्त उसके बाद भी था। सही बात है।
अंत वक्त पर जो तुमको लगता है कि सही है सही बोलो, जो तुमको नहीं लगता है सही नहीं है उसको नहीं बोलो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। इन लोग को लगता है कि एल्विश को, हाँ बोलो ओटीटी के टाइम, ओटीटी के टाइम ना मेरा छोटा वाला भाई मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि एल्विस को वोट मत देना, अभिषेक को देना। भाई बहुत अच्छे परवरिश से बड़ा हो रहा है तुम्हारा भाई भी, आई मस्ट से दैट। मेरा भाई तो जानता भी नहीं था, बस वोट कर दिया। अब पछताता बोलता है आप किसको वोट कर दिया था। मैं खुद नहीं जानती थी। मैं भी नहीं जानती थी, मैं ओटीटी के टाइम जाना ये लोग। हाँ मैं भी, मैं बस अभिषेक को जानती थी कि क्या मतलब क्या ही वो भी इंस्टा पे नहीं लगा कि एल्विस यादव जा रहा है। हेलो, अच्छा हुआ नहीं जीता अभिषेक, इसका ट्रॉफी पनौती है। हाँ हाँ वो तो खुद भी आके अभी बोल रहे हैं कि बिग बॉस जो जीत रहा है उसके ऊपर कर्ज लग जाते। मस्त अच्छा, अपना ये बोल रहा है क्या? हेलो हेलो, कौन हेलो हेलो, हाँ कैसे हो पुनो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हाँ मैं हर टाइम आपका लाइव देखती हूँ, कब से मतलब रिएक्शन वीडियो बनाती थी ना तब से आना चाहती थी, मगर ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। आजकल मनीषा पे बहुत एलिगेशन लग रहा है, बुरा लगता है देख के। मैं एक चीज बोलने के लिए इधर आई हूँ, आपके पैनल पे दूसरे पैनल पे एक दो तीन लोग जाते हैं ना, बहुत गंदा बोलते हैं। मतलब जब देखो मैनेजमेंट टीम चेंज करो, पैसे देते हैं क्या ये लोग उसे? नहीं ना, जब देखो मनीष को ऐसा नहीं करना, मनीष को वैसा नहीं करना, ये लोग पैसे देते हैं क्या उसे? फैन हो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। जब देखो एक लड़की है हर लाइन में जाती है, मनीष को ऐसा नहीं करना था, उसके बिहार की साइड की लड़की ऐसे बोल रही, क्या बोल रही है? जब जब उसके पास पैसे नहीं था, हम लोग थे, हमें पता था वो कौन है। सही बात, समझो पूनम तुम। हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं किसी के, देखो मेरा 40 साल है, मैं पहली बार किसी के लिए इतना, मेरा मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे इतना इमोशनल हो जाती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। अरे अब रो मत, इतना गंदा नहीं लोगों का बुरा। मैं ये तो छोटे छोटे हैं, कितना कॉलेज जा रहे हैं, मैं लाइव सुनती हूँ, मगर बात करने के लिए मैं कर्नाटक से हूँ, उतना क्लियर से नहीं आता, फिर भी बात कर लेती हूँ। क्या उस लड़की को कितना एट्रेट देते हैं, वो इंसान है क्या ये लोग? इंसान ले कहना के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बोलू, मैं तो हद ही हो गई पूनम, मैं तो बहुत बुरा लगता है उस लड़की के लिए, मैं तो रो ही जाती हूँ। तो नहीं क्यों, कितना अटैचमेंट हो गया उस लड़की से, क्या मिलता है तुम लोगों को? देखो मैं भी हिंदू हूँ, नहीं नहीं मुझे इमोशनल हूँ कुछ दिनों से, उस लड़की के लिए इतना बुरा, इतना गंदा। ऊपर जाओगे ना सब लोग, क्या जवाब दोगे? नीचे तो इतना कांड करके जा रहे हो, किसी को पसंद करो, पर्सनली करो। मुझे बहुत बुरा लगता है, पहली बार जिंदगी में किसी को इतना चाहा है मैंने, सिर्फ एक लड़की को, मगर इतना क्यों करते हो लोग? मुझे बहुत बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े। वो दूसरे लय में एक आदमी आता है, एक दो तीन को बिठाता है, हेट्रेट हेट्रेट, फिर तुम्हारी बाप के थोड़ी कार है, वो खुद कमा रही है। जब देखो रेस्टोरेंट में पैसे दे देना तुम, एक लोग एक एक लाख दो लाख तीन लाख मनीषा जो ड्रेस पहनती है उनका उनका जो भी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं एक लड़की है उसके नाम जरूर लूंगी, वो मानवी है ना, मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। उसने उससे कितना है, किधर भी जाए मैनेजमेंट ठीक करो, विशाल के साथ नहीं बैठना, तुम्हें क्या पता उधर एक लड़की एक लाइन में जाके बोली पब्लिक फिगर। शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, उसको तो नहीं मिलता है, अमिताभ बच्चन को नहीं मिलता है, सीएम मोदी को नहीं मिलता है, जब पब्लिक कर
सोशल मीडिया में कौन कितने भी लोग आते, आप भी आते हो ना, आप भी फोटो डालते हो, आपको भी क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग, आप पब्लिक फिगर हो गए क्या? क्या है, जीने दो ना उस लड़की को, उसके हिसाब से जीने दो। जब देखो कमेंट सेक्शन में गंदा गंदा बोलना, उसके साथ ना बैठ। अभिषेक से एक साथ क्यों फ्रेंडशिप है, विशाल के साथ क्यों है, एलविश के साथ क्यों है, क्या है तुम्हारे जिंदगी में? तुम देख लो तुम्हारे जिंदगी में कितना किया होगा तुम लोगों ने गलती। ठीक, कैसे इंसान लोग है पूना, थोड़ा सोचो, दिमाग से सोचो। देखो जो लोग देख देख के थक चुकी हूँ मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आपको, जो लोग हेट देते हैं उनका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्यार करते हैं उससे, और इसी वजह से चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा कुछ अपग्रेडेशन हो, कि वो एक अच्छा टीम रखे जो उसको अच्छे से प्रमोट करे। इसमें कुछ गलत नहीं पूनम, आप एक बात समझो, नहीं एक बात समझो पूनम, अभी 6 महीने से वो पहले भी थी मगर उतना फेमस नहीं थी ना, थोड़ा आप भी समझो ना, किसी पे इतना ट्रस्ट करके पैसे नहीं लगा सकती। वही अभी देखो, अभी ये लोग बोलते हैं उधर जा रही है, नहीं आप समझो, अभी जा रही है जीए के से, देखो ड्रेस लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, अभी है पैसे उड़ा देती है, कल काम नहीं मिलेगा तब क्या करेगी? थोड़ा सोचो पूनम, अभी मिडिल क्लास पे आई है तो थोड़ा सोचेगी वो, समझो। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग है, ठीक है, वो अपने लाइफ को सोशल मीडिया के सामने लाके रखते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है पसंद, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। फैंस भी होते हैं जो चाहते हैं कि उसका अपग्रेडेशन हो, जैसे कि आपने मानवी के बारे में बोला कि मानवी को ऑलवेज उसके क्या बोलते हैं, उसके मैनेजमेंट टीम से प्रॉब्लम रहता है, कि उसके मैनेजमेंट टीम उसके दोस्तों से प्रॉब्लम रहता है। देखो कहीं ना कहीं मानवी Also wants कि उसका अच्छा हो, इसी वजह से चाहती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि you know अच्छे intention। नहीं पूरा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ, मगर देखो एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, ठीक है, बात सही है, थोड़ा समझो। मैं आपके इस चीज से मैं एग्री करूंगी कि बार बार जो समझो आप, वो भी इंसान है। हाँ, उसके फैंस ही आके उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ऐसे कपड़े क्यों पहनी है, तुमसे अच्छे पहन सकती है, ये वो। मुझे भी बहुत बुरा लगता है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत मैं तुम सोच भी नहीं सकती, उतना दिल दुखता है। देखो फैन हो, देखो पहली मैं आपकी एज की थी ना तब, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन थी, बहुत बड़ा। देखो उनके लेवल से ही बढ़ता है, ये लेवल बढ़ता है ना तभी उनका भी माइंड चेंज होता है। ये मैनेजमेंट अभी रखी है ना, आप सोचो 6 महीने से क्या अपग्रेड मिल जाएगा, समझो आप। एजुकेटेड लोगों का अलग रहता है, ये मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आई है, आप समझो, थोड़ा उसका माइंडसेट वही रहेगा। पहले उतना खर्च करने के लिए दिल नहीं मानता, क्योंकि देखो अभी 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, मैं चाहती हूँ जिंदगी भर वो फेमस रहे, मेरे हिसाब से मगर क्या होगा कल, क्या होगा हमें क्या पता, मेरे हिसाब से वो कौन बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी तो मैं बोल रही हूँ टाइम दो, 6 महीने हुआ है ना, टाइम दो उस लड़की को, जीने दो यार। कोई स्टोरी डालती है ना तभी बहुत बुरा लगता है मेरे को। देखो लव में उसमें मुझे नहीं पता, मगर ये फैंस लोग कितना डिमोटिवेशन कर देती है उसे, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी मुझे लगता है वो स्टोरी डाल रही है फैंस के लिए, ऐसा लगता है, समझो आप। मुझे कहीं कहीं देखो हेटर्स तो हेट देंगे, पर मुझे भी कभी कभी लगता है कि उसके मनीषा के जितने फैंस है ना वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं, जितना उतना नहीं करना चाहिए। वही बोल रही हूँ मैं। देखो पीएम मोदी को नहीं छोड़ते, ये क्या लड़की है आप समझो, हेटरेट देने का बात नहीं है, देते है मुझे को वो नहीं है, मगर थोड़ा आप प्यार करते है ना, छोड़ दो आप तो, फ्री छोड़ दो, हेटर्स तो दे रही है अब तो छोड़ दो। मैं इसलिए आई हूँ, मैं किसी को हेट नहीं देखती, मगर मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए आज आई हूँ आपसे बात करने के लिए। क्योंकि देखो आपकी लाइफ भी सुनती हूँ मैं, 2-3 लोगों का सुनती हूँ, मगर आप तो छोड़ दिया आपका और दूसरा का, मुझे हेट रेट नहीं पसंद है। देखो हम भी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमियां हो गए ना। बिल्कुल हम तो भगवान थोड़ी है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ कमियां है सब में। हेलो हेलो
हेलो, हाँ मैं बोलो, कौन है ये, कौन है? हेलो हेलो, हाँ आप कौन हो, नाम बताओ एक बार। सोनी। हाँ सोनी, बोलो बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, मतलब थोड़ा आहिस्ता आ रही है आवाज, बट आ रही है। अब आ रही? हाँ आ रही है, बोलो। चलो बस इतना सा कहना है कि क्या है यार इंग्लिश आर्मी में, क्योंकि आप लोग का कम्युनिकेशन करना और जिन लोगों ने उसके लिए इतना गन बोला ना, इतना उनकी सोशल कॉल के लिए सारे के सारे 16-17-18, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में इतना गन मैं कुछ एक लेडीज के बारे में कही हूँ। हाँ मैं एक तो मैंने ट्विटर जब थोड़ा था वो एडीजी जब वो स्पेस रेगुलेटरी से मैंने साथ बहुत ज्यादा बुरा लगा था यार, एक लड़की जो अगर मैं किसी को तक हमारे घर में बहन होती, इवन मैं मनीषा करती हूँ, मैंने कभी अभी से भेजा है एज ए टीनेज के कमेंट सेक्शन में कभी गंदे नहीं लिखा, इवन ट्वीट भी नहीं करा उनके लिए कभी गंदे। पर यार तू एक बार सोचो तो सही है, तुम्हारे घर में एक बहन होती है, एक गाँव में होती है यार, इतना गंदा बोलती हूँ तू है किसी के कारण, अरे हो गया ना उसने बोल देते हैं जब रखा उसको तो मैं नहीं रखे यार, थोड़ा तो समझा करो यार, एजुकेटेड बनो। और वो अभी आए देखो तो बोलो, बेसिकली समझने के लिए ना दिमाग होना जरूरी है, जो इन लोगों के पास एक्चुअली है नहीं, ठीक है। ये खुद अंधभक्त है और ये सोचते हैं कि बाकियों को भी अंधभक्त ही हो जाना चाहिए, आग बंद कर लेना चाहिए। कल को अगर मनीषा के इनसे भी कुछ गलती होता है, ऑफ कोर्स आई लाइक दैट पॉइंट कि मनीषा को नहीं ऐसा करना चाहिए था, या अभिषेक के इनसे होता है कुछ भी गलती, आई विल हाई लाइट दैट पॉइंट कि अभिषेक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधभक्त बन जाऊं। मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आई ऑलवेज लव देम, बट मेरे पास ऑलवेज एक लॉजिकल पॉइंट होता है जो इन लोग के पास नहीं होता है, कुछ भी बकते हैं लोग। ये जो लोग जो ये लोग बोलते हैं कि वो टिकटॉक टिकटॉक का सबने बनाया, अभी जो भैया ने बनाया एलविश ने बनाया, और इवन एलविश ने कौन थे वो, एलविश ने खुद बनाया वो दीदी, हां अभी वो उसका फेमस है, सॉन्ग सुना दो इनके छोड़ दो। हेलो यार सॉन्ग सुना दो, मूड ऑफ हो गया, सब बहुत सैड हो गए। हां बोलो बोलो, सॉन्ग सुनाओ, रुको सुनाती हूँ, बोल लेने दो। हाँ वो ये दीदी है, और मैंने उसे इतना सीजन करने से भी विशाल डूब गया था, और मैं तो चाहती थी ये क्रेजी लुक करे और विशाल किसकी भी बजाय क्रेजी लुक की। यार मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी विशाल मनीषा का सपोर्टर है, वो सपोर्ट करता है, उसको भी हेट मत दो, और उसकी मैनेजमेंट टीम सच में बहुत अच्छी है, तभी तो टी सीरीज से ऑफर आया इतना बड़ा लेवल से, तो समझो थोड़ी बात को प्लीज, उसको हेट मत दो। और अब और तो ये लोग बोलते हैं हमारे साथ और इसके कपड़े देते हैं, भैया जो काम आपके मम्मी करती है वो एक लड़की करी तो आपको एक महीने से जानती है वो काम कर रही है, इवन कोई भी नहीं करता है, वो भी सेंसिटिव होता है, पर हम भी नहीं कभी करते हैं, क्या दिक्कत यार, सब कुछ क्या दिक्कत है, वो दिया वो अनामिका बोल रहे सोनी आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से, सोनी तुम्हारे माइक में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, साउंड सही से नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दूर से बात कर रही हो, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दूर पे बैठ के बात कर रही हो, बहुत दूर से साउंड आ रहा है। अब आ रहा है? और ये भी बोला अभिषेक प्लेग्राउंड में गया है, पता नहीं कुछ चीज का अनाउंसमेंट होगा शायद 7 बजे से, आई थिंक। हाँ तो मुझे ऐसा लग टीवी डाउनलोड कर लो देख, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने कहीं और दी दी शायद वो ना ऐसा मेंटर गया है, मुझे मैंने ऐसा देखा है कहीं पे, आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं, बट मुझे ऐसा दिखा कहीं पे कि वो एज अ मेंटर गया है, गेस्ट नहीं। दी दी मेरे को बस डर लग रहा है कि कंट्रोवर्सी ना हो जाए, उसका एल्बम आ रहा है मेरे को, मतलब बहुत टाइम से वेट है एल्बम का। देखो देखो एक चीज मैं बताऊं कि कंट्रोवर्सी हम लोग के हाथ में तो है नहीं, ठीक है, और उसका उसका मैसिव सॉन्ग घंटा फर्क पड़ता है, उसका मैसिव सॉन्ग अभिषेक को इससे कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता है, सही बात है, तो सुना दो चलो हो जाए प्रिया, आप सुनाओ। हाय दी, हाय हाय, मेरे को हाय प्रिया, हाय हाय कोमल, हाय
कोबर मैं तो बहुत खुशी खुशी आई थी पर अब प्रमोट ऑफ हो गया। खुश थी मैं, पीजी साहब खुश है, 3-4 दिन से जश्न चल रहा है, अभिषेक का बहुत कुछ आ रहा है तो सब एक्साइटेड है। यस अभिषेक का बहुत कुछ आ रहा है यार, सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका 10 तारीख को सॉन्ग आ रहा है, फिर म्यूजिक वीडियो शूट भी चल रहा है, बहुत जल्दी पोस्टर भी आ जाएगा, मनीषा का भी बहुत जल्द पोस्टर रिलीज हो जाए, मैं तो दोनों के लिए वेट कर रही हूँ, जल्द से जल्द आ जाए बस। हेलो 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 हाय मैम, कैसे हो सारे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बस बढ़िया मैम, आप बताओ? मैम बस सब बढ़िया। अच्छा मैं मनीषा को अच्छी, मेरे को अच्छी लगती है, उसका कॉमिक सेंस अच्छा लगता है मुझे, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि ना उसे अभी इन चीजों में ना पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है? मेरा विशाल जी को भी सजेशन होगा, क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, वो ना छोटे से इलाके से गई हुई है, अभी वो कमाई कर रही है, पैसे कमा रही है, ठीक है? अब वो इन चीजों में पड़ेगी ना लफड़े वफड़े में। अब देखो एल्विश का क्या है, वो पहले से पैसे वाला, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, रियलिटी, एनडीपीसी एक्ट में ना शाहरुख खान का लड़का भी था, वो 2 महीने तक जेल में रहा था। उसको ना पता है, आपको विश्वास नहीं करोगे, 2-3 दिन तक वो नोएडा कोर्ट में वकीलों की क्या नाम है वो रही थी स्ट्राइक, तो गौरव वल्लभ जो उनका नेशनल जो है प्रवक्ता, यू कैन शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान, हाँ जो भी है, आपने सलमान खान जाके सुनवाई थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता मैम, सॉरी अगर आपने गलत सुन लिया हो या मेरे से गलत बोल जाओ, ठीक है? वो जाके खुलवाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसे खर्च भी हो, जो कि उसको बैकिंग भी अच्छी है। तो मैं ये कहूंगा विशाल और मनीषा जी से कि थोड़ा इन चीजों में ना रहे, अपने काम से काम मतलब रखे यार, उसको क्या है क्या नहीं है। अभी अब अच्छे प्रोजेक्ट कर रही है वो, आगे फिल्में भी करें, अच्छे अच्छे होस्ट भी बने, हम हर चीज में देखना चाहते हैं उन्हें, ठीक है? अब वो इन चीज की कंट्रोवर्सी में पड़ेगी, बेकार में टेंशन रहती है बंदे को, अब वो कैसा भी हो चेहरे पे दिख ही जाती है टेंशन जो भी होती है बंदे की। अब वो अपना आराम से एंजॉय करे लाइफ वगैरह। विशाल को भी फालतू बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यार मैं सही बताऊं यहाँ पे ना पावरफुल बंदों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक्चुअली मनीषा के इनसे किसी को भी कोई भी कुछ भी फालतू बके, जैसे ये दीप, हाँ। क्या नाम है उसका, क्रेजी दीप हो गया, कुछ भी हो गया, अभी किसी को कोई रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने अपने काम में हाँ। मस्त रहो हाँ। जैसे हो। अब एल्विश भी तो देखो, एल्विश भी तो चुप बैठा है, क्योंकि उसे पता है उसको बोलने का मतलब ही नहीं है इस वक्त, वो पता नहीं कैसे चुप बैठा हुआ इस वक्त, मुझे खुद ही हैरानगी हो रही है, क्योंकि वो ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो इनको भी, विशाल और को भी क्या नाम है अपनी जो मनीषा जी है ना, इनको भी ऐसा करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए यार, कोई 1000 जने बोलेंगे, अब तुम पॉपुलर हो गए तो 1000 जने बोलते ही हैं, समझ रहे मेरी बात? तो ये है कि अच्छे प्रोजेक्ट करें, अच्छी फिल्में करें, अच्छा काम करें, और आप भी सब फीमेल्स हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सब भी, आपको बेस्ट ऑफ लक है, बस यही था मेरा कहना कि वो अच्छा अच्छा काम करें, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ऐसे सॉन्ग बोल रहा था, मेरे को हंसी आ रही, मेरे को खुद नहीं आता। दीदी आप सुना दो, सुनाओ सॉन्ग, कोमल तुम सुना दो, मेरी आवाज नहीं अच्छी है। उदमी आप ही सुनाएंगे, दी आपका माइक ऑफ है। ओ सॉरी हाँ बोलो, क्या सॉन्ग सुनना है बोलो? दी आई कांट जॉइन, आई एम इन वर्क टाइम। ओके राजदीप, नॉट अ प्रॉब्लम। दी पहले भी मैं सुना दो, देखो मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, तुम लोग को दया नहीं आती क्या मेरे ऊपर? पहले भी मैं, दूसरा कुछ इजी सा मैं सुनाऊ, बस माइक ऑफ करके सुनाऊंगी। कुकिंग टाइम लक्ष्मी बोल रही है, एक तू ही यार मेरा।
चलो स्टार्ट सुनाओ सुनाओ दी। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। भाई मेरा गला बहुत बहुत ही खतरनाक हालत में। तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अनामिका वो थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हो, रुक जाओ, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। राइट बोल रहे हैं प्रिया, कोई शादी का सॉन्ग सुना दो निश्चय के लिए यार, मतलब मैं सॉन्ग सुनाने वाली बैठी हूँ। शादी का सॉन्ग तो मेरे को ये याद था ना, गद्दर टू में था। हाँ सुनाओ यार मेरे को। विराट बोल रहा है बाय एवरीवन, प्लेग्राउंड का सिस्टम हैंग होगा पीजी। यस दीदी आपने इतना अच्छा खाया कि मैं अभी दीवार खा गया। दीवान सड़िया राजदीप, राजदीप मैं बिहार, मैं भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुनती, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं आते। अरे मैंने मैं एक रीसेंट तो, मेरे को तो बस हनी सिंह का सॉन्ग सुनती हो वही सुना सकती हो। मैं एक रीसेंट भोजपुरी सॉन्ग मैंने बहुत बहुत सुन रही हूँ हर जगह पे, रील्स वगैरह पे बहुत ज्यादा। इसमें बहुत सारे रील्स भी वायरल हो रहे हैं क्या, लगाई दी ही देना की हुक राजा जी, ऐसा कुछ था मुझे नहीं याद है क्या। दीदी मत गाओ, दीदी मत गाओ, मत गाओ, सिर्फ मत गाओ, जो बिहार में होगा मत गाओ। ओके सब जो मत गाओ, इसका मतलब क्या है यार, रुको मैं गा। हुक राजा जी समझ में आता है ज्यादा तो दी, मैं कभी और बताऊंगी, आप मत गाओ। ओके ओके, ये बोल रही है छंद से जो टूटे कोई सपना गा दो। हाँ गा दो, चलो प्रिया के लिए सब चैट पे चीयर करो, बोलो चलो प्रिया, चलो प्रिया पहले तुम गाओ फिर मैं कुछ गाऊंगी। हाँ ओके, सब मिलके गाना गाएंगे हम लोग। मेरे को सच्ची नहीं आता। अरे ठीक है, मेरे को कौन सा आता है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, गाओ गाओ, कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे। चलो गाइस जज तो बिल्कुल मत करना, मतलब मैं भाग जाऊंगी। अरे कोई नहीं जज करेगा, डरो मत। चलो स्टार्ट, याद करने दो कौन सा सुनाओ। मैं ना हनी सिंह का सॉन्ग सुनाती हूँ, ठीक है? ठीक है चलेगा। ओके याद कर दे दो यार, जो याद किया था भूल गई। तुम याद कर ले फिर, कोमल 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 सुना। हाँ हाँ याद कर ले, याद कर ले कौन सा गाना गाएगी। नहीं नहीं पहले प्रिया फिर मैं सुनूंगी। और किसी को गाना गाना है? मैं लिंक दे रही हूँ आके गाना। दीदी आप गा दो, दीदी आप गा दो अभी अभी। अच्छा तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही, तुमसे ही। चलो अभी भी याद नहीं आया तुमको? याद आ गया। ओके गाती हूँ, हर पल तेरा यादा यादा विचे तू, दिल दी गल मैं दसा रे रस्ता बे की तू, हर पल मेरी यादा यादा विचे तू, दिल दी गल मैं दसा ते दसा है फिर क्यों, तेरी मेरी मेरी तेरी इक जिंदड़ी मैं क्या करूं। नहीं याद फिर क्या था, झूमू मैं नाचू मैं गाऊं के खुद तेरे लिए मैं क्या करूं, तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना,
तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अब नहीं याद है। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस प्रिया, बहुत अच्छे। नाउ इट्स कोमल्स टर्न। कोमल, मैं बस एक लाइन गाऊंगी। हाँ ठीक है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस मकान तेरे हवाले कर दिया। बस वेरी नाइस कोमल, लवली लवली। ये वाला गाना मुझे भी बहुत पसंद है। एक मिनट दो मेरे को, बस एक मिनट दो मैं आती हूँ। कोई बोल लो, कोमल आप ही बोल लो कुछ, एक और गा दो आप। आज आज भी मैच है आईपीएल। अरे आज भी मैच है। आ गई वापस। हाँ अरे कोमल ने बहुत प्यारा सा गाना गाया है, ये वाला गाना बहुत अच्छा है। हाँ। मेरे को काफी अच्छा लगता है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, उसके बाद क्या था? हाँ ऐसा टाइप का कुछ। मैं तेरा रास्ता जो भी है हक मेरा तेरे हवाले कर दिया। नाइस सॉन्ग। सब सब बोल रहे वाओ कोमल, नाइस नाइस वॉइस, वेरी नाइस कोमल, वेरी नाइस। थैंक यू। ब्लू आई इज माई फेवरेट सॉन्ग प्रिया पटेल बोल, तो वो वाला का है नहीं गाई तुम? वही गाती हूँ। कमेंट में लिख रही हूँ। हाँ गाओ। ब्लू आईज दो टाइज तेरी कर दी है मैंनो, अशर छोटी ड्रेस में पोंग लग दी मैंनो, क्लोज लिप्स भूल गई। दे प्रिया का मेरी तरह हालत है, याद नहीं रहता कुछ। अच्छा आगे याद है, आगे याद है। अच्छा ओ ये कत्ल करे तेरा बॉब फिगर, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंनो, अशर छोटी ड्रेस में बॉब लग दी मैंनो, बॉब लग दी मैंनो। बस भाई ठीक है। नाइस नाइस नाइस। ओके साना बोल रही है मुझे एक भी पंजाबी सॉन्ग की लिरिक्स याद नहीं रहती। मुझे भी सेम सेम हालत है मेरी भी, इसलिए मैं नूरी नहीं गा रही। मेरा नूरी सच में फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी फेवरेट है। बोलते दीदी नूरी गा दो। अरे मेरे को भी याद नहीं रहता यार, मैं एक तो मेरे को समझ में नहीं आता आधा कि क्या लिरिक्स क्या बोल रहा है, अब बाकी मेरे को याद नहीं रहता है। आर्यन तुम तो हमको याद नहीं करते, वारे तेरी दोस्ती ईशा की जहा बोल रही है, बढ़िया है। राजदीप बोल रही थी अभिषेक मल्हान का एस्ट्रोन मार्टिन आने वाला है। ये क्या, ये क्या होता है एस्ट्रोन मार्टिन? गाड़ी गाड़ी
जिस जो जो उसने मनीषा को बोला था ना वो वाले व्लॉग में, 8 सितंबर वाले व्लॉग में, कि अच्छा, हाँ, उसने बोला था इंग्लिश में गाड़ी का नाम है, उसने बोला था ये तो किसी अंग्रेज का नाम लग रहा है। स्वीट ऑफ देम। नूरी गाओ नूरी, इस चांद ने ना 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 नूरी, नूरी मैंने बहुत एक एक ही लाइन या दो लाइन शायद मैंने याद किया था बहुत टाइम से, बट मैं फिर भूल गई क्या था। मेरे को याद दिला दो कोई। तन्नू रखा बिच दिल नू बसा के नूर में बना के करा गल्ला तेरिया। हाँ सही सही। तन्नू रखा मैं दिल च बसा के नूर वे बना के जिंदगी तू मेरी है, तेनू करा प्यार नाज ना कोई कर नहीं सकदा, तेनू करा प्यार नाज ना कोई कर नहीं सकदा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मेरे वॉइस में डिफरेंस? सारी गल जान दा मैं, तेनू तू मेरी आवे सारी गल जान दा। उसके बाद क्या था भूल गई। उसके बाद था मेरी तो संगा सब तू पहचान दा। फिर राजदीप बोल रहा प्रिया आप लूड़ी नहीं बोल रहा, लूड़ी सॉन्ग। लूड़ी कौन सा सॉन्ग है? इसलिए बोल रहे मैं नहीं गाऊंगी, इसलिए बोल रहे जज कर दिया भाई ने। आप बता सुधारी राजदीप, डोंट जज बाबू, बहुत अच्छा गाया प्रिया ने भाई। ओके चलो गाइस चलती हूँ, बाय बाय। ठीक है थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। मुझे भी जज कर दिया क्या कमेंट सेक्शन में? नहीं कोई किसी को जज नहीं करेगा। नहीं तुम्हें किसी ने जज नहीं किया। अंजलि ने लिखा है राजदीप तो क्या लिखा, नींद का कहा गया राजदीप तो नींद का सालों तक नहीं आएगी तुमको, मतलब मैं गाती था तो सो भी नहीं पाएगा सालों तक। ओ अच्छा। रात को कितने बजे दी, अंकिता बोल रही है। देखो रात को मेरा शिफ्ट ओवर होगा 11 बजे, बट द गुड पॉइंट इज के मैं घर ही से काम कर रही हूँ, सो आ सकती हूँ लाइक 8:30 बजे या 9 बजे तक। ठीक है चलो बाय गाइस। अच्छा प्लेग्राउंड, सुनो प्लेग्राउंड का कोई वाईटी चैनल है? प्लेग्राउंड का यूट्यूब चैनल है? प्लेग्राउंड का कोई नहीं यूट्यूब चैनल, इसमें लिख रहा है बाय 7 बजे 7:30 पे स्पैम प्लेग्राउंड वाईटी पे। ओके शायद आज अनाउंसमेंट हो जाए बाय। अच्छा ओके प्ले, तो गाइस प्लेग्राउंड का जो भी यूट्यूब चैनल है वहां पे पहुंच जाना 7:30 बजे, और कुछ अनाउंसमेंट है वो भी होने वाला है। I am so excited. देखते हैं क्या होता है। चलो बाय बाय बाय। दी रुको 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 रुको, लक्ष्मी बोल रही है सुनो मेरे दिल की जुबान कहती है ये सुना दो। पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, मेरे को नहीं पता है कौन सा। सुनो मेरे दिल की जुबान, लक्ष्मी का कमेंट पर कहा है दीदी मेरा गाना गा लो एक बार। ओके ओके लक्ष्मी कहा है तुम्हारा गाना दी, सुन मेरे दिल की सुबह कहती है क्या तुझे जा बहती रहो सुनती रहो। ये कौन सा गाना है भाई, तो मुझे नहीं पता। उम्र भर बस ये किसी, तुम में से किसी को पता है ये कौन सा गाना है? नहीं मैं ये सब गाना नहीं सुनती, मैं बस जिसके फैन हूं उसी के सॉन्ग सुनती हूं। पूरा गाना लिख दिया है बेचारी ने लक्ष्मी, बट आई एम सो सॉरी मुझे शायद मैंने नहीं सुना ये वाला गाना। लक्ष्मी सुन मेरे ये सुन मेरे हम सफर, वो तो हम सफर है पता नहीं कौन सा गाना है। हाँ किसी घर के बगल में से बस जा रही है बाय 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 बाय। दी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, घर गा दो है ये कौन सा गाना है? अच्छा मुबारक हो ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम
दुआ है हमारी, ये श्रियंका की तरफ से गाया मैंने रोते हुए। श्रियंका की शादी, श्रियंका वो उदास है ना, सैड हो गई है, निश्चय की शादी हो गई, वही गा रही है, वही गा दो। वही गा दिया। अच्छा ए, एक एक श्रियंका के सिचुएशन में मेरे को एक और गाना याद आ रहा है। सुनो तो, सुनो तो, मैं बोल रही हूँ ना, वीक में ना एक वो क्या बोलते हैं, सिंगिंग सेशन रख लो। अंताक्षरी खेलेंगे। कोमल ने क्या बोला, क्या पैनल वाली लाइव करा करो। अच्छा ठीक है, ओके ओके। कुकिंग टाइम लक्ष्मी बाबू, आई एम सो सॉरी बट मुझे ये गाना नहीं पता है, बट मैं अभी जाके सर्च करूंगी कि ये कौन सा गाना है, फिर रात को सुना दूंगी तुमको पक्का। ठीक है चलो बाय। राजदीप बोरे दी, प्लीज आप कोक स्टूडियो बांग्ला फॉलो करना, बहुत बढ़िया ऐप, बहुत पहले से फॉलो करती हूँ मैं राजदीप, कोक स्टूडियो बांग्ला फॉलो करती हूँ, कोक स्टूडियो पाकिस्तान फॉलो करती हूँ, कोक स्टूडियो एक और है, क्या तो है, मैं कोक स्टूडियो पूरे दुनिया फॉलो करती हूँ, पता नहीं क्या कहा। अरे एक एक पता है, आई डोंट नो कि मेरे को कोई मैंने ओडिशा से लोग सुनते हैं कि नहीं, बट एक गाना है जो मुझे बहुत फेवरेट है, ये उड़िया सॉन्ग है एक, ठीक है, और वो ना मतलब वहां का लोकल सॉन्ग है। दी दी सुनो सुनो सुनो, अभिषेक एज अ मेंटर जा रहा है प्लेग्राउंड में, उसकी भी टीम होगी, और सुनो तो, और सीजन 3 एक्सटेंड हुआ है 2 वीक, हम इस बार पक्का ले ले ट्रॉफी ले रहा है, मजा आएगा। मैं पता है कल मैं एक्चुअली देख रही थी, आज भी देख रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे अभिषेक एज अ मेंटर जा रहा है, कम्युनिटी पोस्ट करना इससे रिलेटेड पक्का। बिल्कुल 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 गाइस, अभिषेक इज गोइंग एज अ मेंटर इन प्लेग्राउंड 3। अब तो प्लेग्राउंड 3 मैं भी देखना स्टार्ट कर दूंगी, आप तुम लोग भी देखना स्टार्ट कर दो, और इस बार ट्रॉफी पता है कहाँ आनी चाहिए। ठीक है इस बार ट्रॉफी दिल्ली आएगी, हर बार उस बार बिहार आई थी, अब दिल्ली आएगी बस। यस मनीषा ला चुकी है ट्रॉफी, अब दूसरी ट्रॉफी कहाँ आने वाली तुम लोगों को पता है गाइस, मलान फैमिली में दो दो ट्रॉफीज बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। चलो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय प्रिया, बाय बाय।